आज हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, जो भी आज यहाँ पे आपके नए बच्चे, नए साधक जो सहज में उतर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसा इस यंत्र के माध्यम से बता दीजिए जिससे कि उनके भविष्य में जो भी आने वाली समस्याएं हैं वो दूर हो सके। माँ, उनके अंदर वो लक्ष्मी तत्व जागृत हो सके माँ, जिसकी संतुष्टि के बाद वो अपने महालक्ष्मी तत्व को प्राप्त कर सके। हम सब यहाँ पे ये सटल सिस्टम को एक बार देखेंगे ध्यान से। जैसे कि हमारे तीन बॉडीज होती है हमारे, इसीलिए हम शांति 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 भी तीन बार बोलते हैं। दैहिक, दैविक और जैविक, यानी कि दैहिक हाथ पैर और जो भी हमारी आँखें नाक कान, ये हमारा दैहिक है। जैविक है बायोलॉजिकल बॉडी, जो कि हमारी किडनी, लिवर, हार्ट, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो दिखते नहीं हैं, दैट इज़ द सेकेंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी हैज़ टू फंक्शन प्रॉपर्ली, सेकेंड बॉडी हैज़ टू फंक्शन प्रॉपर्ली, और तीसरी बॉडी एक जो होती है वो सूक्ष्म यंत्र है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स लाइक अ मशीन, द एंटायर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, वी ऑल नो इट। एवरीथिंग वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन, हर हाथ और पैर का अगर कोऑर्डिनेशन ख़राब हो तो हमारे हाथ से चीज़ गिर जाती है, हम गिर जाते हैं। और अगर हमारा जो लिवर है वो प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे तो हमारे पेट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। पेट में प्रॉब्लम आ जाए तो हमको गैस होगी, तो हमारे हार्ट में यानी लंग्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, हम सांस नहीं ले पाएंगे। और हम सांस नहीं ले पाए तो हमारा गला घुटने लगेगा, गला घुटने लगेगा, यहाँ से वो फ्यूम्स जो भी निकलेंगे यहाँ से, ये सर दर्द भी बढ़ जाते हैं। और ये मेडिकली भी इसी तरह से होता है कि गैस से हमको माइग्रेन्स भी होते हैं। तो ये कोई भी एक चक्र बाधित होने से ऊपर वाले सब चक्र को वो इम्पैक्ट करता चला जाता है। तो अब ये क्या है, चक्र क्या है, ये सूक्ष्म बॉडी क्यों है? जैसे कि शुरू में हमने बोला, दैहिक बॉडी जो हाथ पैर हैं, जैविक बॉडी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और दैविक बॉडी, हम सबके अंदर ये बॉडी है, इसी वजह से हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। चाहे हम किसी भी रूप में ढूंढें, गुरु नानक देव जी के पास जाएं, चाहे हम चर्च में चले जाएं, चाहे हम मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, हम आखिर ढूंढ क्यों रहे हैं? हमको कैसे पता कि कोई एक शक्ति है जिससे हम जुड़े हुए हैं और वो हमारी मदद करेगी? हमें कैसे ये इतना विश्वास है कि एक शक्ति है जो हमेशा हमारी मदद करेगी? तो वो इस बॉडी की वजह से होता है। अब ये बॉडी क्या है, यहाँ पे एज वी कैन सी, ये हमारा एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी कि ये हमारी स्पाइन के अंदर चलने वाला एक पतला सा, आप सबको पता है, आप नर्सेज हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और यहाँ पे एक सूक्ष्म ब्रेन होता है यहाँ पे हमारे, जिसको छोटा ब्रेन कहते हैं। और ये हमारा पूरा लिम्बिक एरिया, यानी पूरा मस्तिष्क। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो मेरी रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे से चलती है, और जो मेरा जिसका कल्मिनेशन पूरा यहाँ पे पहुँच के होता है लिम्बिक एरिया में, तो ये मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर ये फंक्शन करता है ना, मुझे कोई भी बीमारी हो सकती है। और ये पूरी तरह से ईश्वर के द्वारा संचालित है, इसीलिए हम जीवित हैं। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाती है उस दिन हम डेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, चाहे कितनी भी मेडिकल साइंस हो, कुछ भी हो, नथिंग कैन हैपन देयर आफ्टर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड द फिजिकल लाइक प्लेसमेंट ऑफ ऑल दीज चक्रास इन अ बॉडी। All right. So this is the triangular bone, which is you can understand like a tailbone. और ये पवित्र अस्थि भी बोलते हैं, और हर धर्म में, हर देश में इसको सेक्रम बोन या कोई भी दूसरा उनकी लैंग्वेज में नाम है। जैसे एथेंस में भी इसको सेक्रम बोन ही बोलते हैं, यानी पवित्र अस्थि है ये। ये अस्थि जलाने पे, मारने पे, दबाने पे किसी भी तरह से कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि इस अस्थि के अंदर निवास करती है हमारी ये प्राण शक्ति, यानी हमारी कुंडलिनी शक्ति। ये 3.5 कॉइल में होती है,
और कोई भी चीज़ अगर हमने फिजिक्स पढ़ी है, ज़रूर हमने पढ़ी भी होगी, 22/7 की एक वैल्यू होती है जो 3.15 की वैल्यू होती है. सो ये 3.5 कॉइल में होती है. तो जब तक ये 3.5 कॉइल कहीं भी नहीं लगता है, ना हम कोई डिस्टेंस बड़े से बड़ा नाप सकते हैं, ना ये फैन वर्क कर सकता है, ना ये मेरा आईपैड वर्क कर सकता है, कोई भी मशीन काम ही नहीं कर सकती. तो ये जो जीवित चीज़ है उसकी ही तो हम नकल करते हैं. कंप्यूटर हमारे दिमाग की ही तो नकल है. जैसे हमारा ब्रेन काम करता है कि अपने आप सब ये समझ जाए और अपने आप करने लगे, तो हमने उसको एक नकली चीज़ बनाई, अपने दिमाग की एक नकली चीज़ बनाई. इसी तरह से हम कुंडलिनी की जब 3.5 कॉइल में कोई भी ऐसे तार जो है बांध देते हैं तो वो वर्क करने लगता है, फंक्शन करने लगता है, मोटर चलने लगती है, गाड़ी चलने लगती है, घड़ी चलने लगती है, पंखा चलने लगता है. तो उसको ऐसे कस के 3.5 कॉइल में इस तरह से ये जो है ये मेन फंक्शन है जिससे कोई भी चीज़ चालायमान होती है, यानी एक्टिवेट होती है. ये जीवित फंक्शन हमारे अंदर हमेशा स्थित है. लेकिन ये कैसे आया हमारे शरीर के अंदर? ये आया इधर से. हमारे जो जो सबसे पहले है, जब माँ के घर में एक ऐसे करके एकदम गोल गोल बनता है, जब 3 मंथ्स तक माँ के अंदर ये सिर्फ गोल गोल बनता है, ये हमारा सर होता है, बच्चे का सर होता है. और यहाँ पे वो माँ के घर में ये शक्ति प्रवेश करती है और ये बच्चे के अंदर 2-2.5 साल तक यहीं पे रहती है. लेकिन जब बच्चा सर झूठ बोलने लगता है, वो सब करने लगता है, तो वो रुष्ट होके यहाँ बैठ जाती है. हमारे जब ये रुष्ट हुई तब हमारी बीमारियाँ शुरू होती. बच्चे को आप कहीं भी गिरा दो, कुछ भी गिरा दो, बच्चा आज तक गिरने से कोई नहीं मरा. चाहे वो एयर क्रैश में भी बच्चा गिर पड़ा है, बच्चा बचा है, बाकी लोग मर गए, एडल्ट्स मर गए. क्यों? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे होती है, हम ईश्वर के प्रोटेक्शन में होते हैं कम्प्लीटली. तो अगर ये कुंडलिनी शक्ति हमारी अभी भी यहाँ पर रहे तो हम पूरी तरह से ईश्वर के प्रोटेक्शन में फिर से आ जाएंगे, हमारा उनसे कनेक्शन बन जाएगा. और इसी को हम योग कहते हैं. और ये योग के लिए बहुत लोग बहुत तरह से कोशिश करते हैं, हठ योग करते हैं, सांख्य योग करते हैं, सारा कुछ वो कर देते हैं, अपना सब त्याग देते हैं, सब कर देते हैं. तो दिस इज़ व्हाट यू नो इज़ कॉल्ड योग. जब ये कुंडलिनी शक्ति उठ के मेरे इन 7 चक्र जो मेरे शरीर के अंदर हैं, जो मेरे हर ऑर्गन को नरिश करते हैं, प्लावित करते हैं. जैसे ये मेरा मूलाधार चक्र अगर ये फंक्शन नहीं करेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. ये वो जगह है जो पृथ्वी को छूती है. जब हम जमीन पे बैठे हुए हैं तो ये पृथ्वी को छू रहा है ये, ठीक है. सो ये चक्र जिसमें 4 पंखुड़ियाँ हैं. और ये चक्र मतलब ऐसे सहज योग है, इस प्रैक्टिकल रिलीजन, मतलब जो भी हम जान रहे हैं वो हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है. सो ये 4 चक्र हैं. ये जब मूव होते हैं वी कैन फील समथिंग रोटेटिंग इन अ बॉडी, ओके. फिर ये स्वाधिष्ठान चक्र, इसमें 6 पंखुड़ियाँ हैं. ये सब नॉलेज की जगह है. सरस्वती जी को प्रसन्न करना है तो हमें अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे कार्य करना होगा. श्री माता जी से प्रेयर करनी होगी, श्री माता जी आप सरस्वती माँ को जागृत कर दीजिए. पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नॉलेज आती है, आपको भी नहीं समझ में आता ये मुझे कहाँ से पता चला. ये हमारी कुंडलिनी शक्ति ने यहाँ से पूरे ब्रह्मांड की इन्फॉर्मेशन हमको दी और ये चक्र एक्टिवेटेड है. यू विल हैव ऑल द नॉलेज, ठीक है. ये 6 पेटल्स होते हैं. ये पंखा मतलब चक्कर, मतलब चक्का ना, साइकिल का भी चक्का होता है, ये पंखा जैसे है. 3 चक्र हैं इसके, इसके 6 चक्र हैं. इसके हमारे कुल वैसे तो 8 बोलते हैं, महालक्ष्मी अष्टकम लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं, लेकिन यहाँ पे 10 पेटल्स होते हैं जो 10 गुरुओं के लिए भी मतलब ये जैसे ये चक्र जब फैलता है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ तक आता है, इफ़ यू कैन सी, क्योंकि ये सबसे बड़ा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है. ये हमारा बृहस्पति ग्रह इससे मतलब वो होता है, ये गुरुओं का स्थान है. यहाँ पे हमको इंटरनल नॉलेज मिलती है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग का हमको सब पता चलता है. फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 12 चक्र है, यहाँ पे मध्य हृदय में, यहाँ दुर्गा बैठती हैं. दुर्गा को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए. अगर ये दुर्गा नाराज़ हो जाती है तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी. तो और हम फिर ख़त्म ही होते चले जाते. क्यों? क्योंकि यहीं से ब्लड सर्कुलेशन सब जगह पहुंच रहा है. वैसे भी आप देखो अगर मेडिकली इफ दिस फंक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा,
सारे चक्र खराब हो जाएंगे, सब कुछ यहीं से ही जाता है, ठीक है। सो ये मेरा दुर्गा चक्र है, सेंट्रल हार्ट है, यहाँ मेरे लंग्स हार्ट और ये सब होता है, और लेफ्ट हार्ट में मेरी आत्मा होती है, ये शिव का प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ पे मेरे 16 चक्रियाँ होती हैं, 16,000 नाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, और ये 16,000 शक्तियाँ थी श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी डेटी हैं, इसके रूलिंग डेटी हैं, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, और यहाँ पे मेरा आज्ञा चक्र, ये बंद रहता है क्योंकि जो ये मेरे लेफ्ट से एक चैनल चल रहा है ये राइट में चला जाता है, और ये जो मेरा राइट से चल रहा है ये लेफ्ट में चला जाता है। तो जब यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है तो बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन सहज योग के बाद ये ऐसे थर्ड आई, इसको आप कह सकते हैं, खुल जाती है। जैसे ही आपकी ये थर्ड आई यानी कि ये वाली जगह आपकी खुली, वैसे ही आप सीधे ऊपर चढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो जैसे ही हमारी कुंडली शक्ति यहाँ पे आई तो हम एक बहुत ठंडक का एहसास करते हैं अपने यहाँ पूरे लिम्बिक एरिया में, हवाएं सी बहने लगती, अंदर से इंटरनली एक ठंडक महसूस होती है, और ये हम कई बार मतलब जब अच्छे ध्यान में होते हैं हम ये एक कुछ ऐसे फूल की तरह फील भी कर पाते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे यहाँ पे है। और ये 7 रंग हैं पूरे इंद्रधनुष की तरह, और ये 7ों चक्रों के रंग है, क्योंकि ब्रेन जो है, आपको वैसे भी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग पता है, ब्रेन ही रूल करता है पूरी बॉडी को। तो जितने भी हमारे ये जो चक्र हैं या ये सारे चक्र, इनकी रूलिंग सीट यहीं पे है, यहीं से वो कोऑर्डिनेट करते हैं सब चक्र को करने के लिए। तो ये जो लिम्बिक एरिया है, जैसे हर चक्र का, अब जैसे ये है यहाँ पे मंगल ग्रह से ये है, तो हमारे नवग्रह भी क्लियर हो जाते हैं। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, ये सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा, और यहाँ पे हमारा जो ऊपर से पूरा एक प्लूटो नेपच्यून ऐसे करके और है, पूरा सोलर सिस्टम हमारी पूरी, क्योंकि जो ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर है, हम ब्रह्मांड के एक अंश हैं, हम पूरे ब्रह्मांड हैं, हम स्वयं हर कोई एक जन। तो ये हमारे पूरे 9 ग्रह यहाँ से प्लावित हुए, यहाँ पे श्री गणेश जी, यहाँ पे सरस्वती माँ, यहाँ लक्ष्मी जी। यहाँ पे जब हम ध्यान करते हैं, जैसे हर एक का एक स्थिति होती है प्लैनेट्स की, तो इस समय जो दिवाली के टाइम पे, मतलब दिवाली का टाइम एक जो टाइम, एक पीरियड 10-15 दिन अगर मैं ले लूँ, इस समय जो प्लैनेट्स की स्थिति बनी है वो हमारे नाभि चक्र को, अगर हम यहाँ पे श्री माता जी को का ध्यान करें तो ये एकदम एक्टिवेट हो जाता है। और जिसका नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाता है उसको धन की, दौलत की, किसी भी चीज़ की, कोई समस्या आ जाए, कोई भी समस्या आती रहती हैं जीवन में, सबका सोल्यूशन यहाँ से निकलता रहता है, हम समाधानी बन जाते हैं जब लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर जागृत होता। कभी किसी, अगर 2 रुपया भी है ना तो भी हम संतुष्ट हैं, अगर मुझे 2 करोड़ की ज़रूरत पड़ जाएगी 2 करोड़ ही आएंगे, उससे मेरे ऊपर 20 लाख मेरे पास नहीं आएंगे, मतलब इतने ज़्यादा वो हैं। और ये बहुत चमत्कार भी होते हैं सहयोग में, कि जैसे आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है और आपके पास नहीं है, एंड सडनली यू सी एंड यू सी दैट इन योर ड्रॉअर, सडनली समबडी विल कम कि यार ये मेरा पैसा था एक्स्ट्रा है, तू ले ले, ऐसे कर ले, मतलब इस तरह की बहुत ही ऐसी घटनाएं। आप कहीं पे फंस गए, ट्रैफिक में फंस गए, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक गण या देवता आते हैं आपको ट्रैफिक से निकाल के, साइड में आपका एक्सीडेंट होने वाला है, उसी समय आपको एक अदृश्य शक्ति ऐसे खींच लेगी, एक्सीडेंट नहीं होने देगी, ठीक है ना। तो ये शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं हमको सहज योगा मेडिटेशन करने से। तो ये इस समय हमारा जो नाभि चक्र है, लक्ष्मी तत्व है, ये जागृत करने के प्लैनेट में पोजीशंस बनी हुई हैं अभी इस समय, कहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर कहाँ इस समय, मरकरी कहाँ है, वो ऐसी पोजीशन है कि इस समय ये हमारे इसको पूरा एक्टिवेट किया जा सकता है, मतलब फेवरेबल पीरियड है ये। देन इज दुर्गा चक्र, ये शुक्र ग्रह से वो पूरा प्लावित होता है, और ये हमको एकदम स्ट्रांग रखता है, एकदम स्ट्रांग रखता है, एकदम निर्भीक रखता है हमको, ठीक है। ये वो चक्र है जिससे हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, विराट, ठीक है। और ये वो चक्र है जिससे हम, जिसको कहते हैं ना डोर, जैसे आपको हेवन में जाना है या आप इस कमरे में आए, आपने एक डोर खोला और फिर आप अंदर आए, तो ये हेवन है। लिम्बिक एरिया की जागृति, सहस्रार चक्र है, यहाँ पे 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो ये उसका दरवाजा है,
और ये दरवाज़ा श्री माता जी की कृपा से आसानी से खुल जाता है। और ये जब दरवाज़ा खुलता है हमारा, तो हमको उस समय निर्विचारिता का अनुभव होता है, थॉटलेसनेस की एक फीलिंग आती है। ठीक है, सो श्री माता जी को बहुत ही प्रेम से देखते हुए हम आज का ध्यान शुरू करते हैं हमारे चक्रों पे। तो हम सबसे पहले मध्य हृदय में श्री माता जी को यहाँ पे माँ की फ़ोटो हम बंद आँखों से यहाँ पे ऐसे करके देखते हैं। क्या देखते हैं, अगर हमारे हृदय में श्री माता जी की फ़ोटो आ गई तो आप समझ लो कि श्री माता जी ने आपका हृदय स्वच्छ कर दिया कि वो यहाँ बैठेंगी। अगर आपका हृदय गंदा है तो वो नहीं बैठ पाएंगी, तो आप उनकी फ़ोटो को यहाँ पे देख नहीं पाओगे बंद आँखों से। सो हमारा हृदय बहुत ही साफ और निर्मल होना चाहिए, जिसमें मतलब कभी भी कोई द्वेष और कोई छल कपट कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम सबकी मदद करें। ठीक है, सो इस तरह का जब हृदय, और श्री माता जी खुद बना देंगे ऐसा दिन, तो बस माँ से प्रेयर करनी होती है, श्री माता जी मेरे हृदय में आइए, क्योंकि यहीं से सब कुछ है, यहीं से हमारा सहस्त्रार भी खुलता है, और यहीं से सारे के सारे चक्रों को चेतना जाती है और ब्लड जाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बंद आँखों से माँ को बुलाएंगे और फिर हम यहाँ पे अनुभव करेंगे, और फिर हम माँ से ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद फिर माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे लक्ष्मी तत्व को जागृत कर दे। ठीक है, करें। लेट अस फर्स्ट बैलेंस आवर सेल्स, विल कीप आवर लेफ्ट हैंड ओपन इन फ्रंट ऑफ श्री माता जी, कीप लुकिंग एट अ फोटोग्राफ सो दैट वी नो दैट दिस इज हाउ शी इज गोइंग टू सिट इन अ सेंट्रल हार्ट। कीप लुकिंग एट अ फोटोग्राफ and now we'll place our right hand on the ground. We'll close our eyes slowly and now we'll pray. Shri Mataji, kindly take all the negativities, all the hereditary problems in my Ida Nadi, in the left side of my body, into your mother element. Mother, please take away all the negativities, all the hereditary problems, all the sins that my ancestors might have done in any of my birth. Please take away into the mother element. Shri Mataji, you are the verily Shri Mahakali. Mother, please awaken. Shri Mataji, please awaken in my body as Shri Mahakali, and cleanse my left channel completely. We'll look at our left hand with our closed eyes, the center of our palm. Just look at it. All your attention in the center of your palm. Rotate your attention, make circles in the palm with your attention. Keep your eyes closed. Now we'll look at our thumb, left hand's thumb, and feel the energy in the left hand's thumb. Next finger, and the little finger. Shri Mataji, please awaken as Mahakali. You are the verily Shri Mahakali. Mother, please cleanse my Ida Nadi, my left channel,
and remove all the negativities. Now we'll open our right hand on the lap and fold our head from the elbow. Left hand should be folded and the palm should be facing the sky. Now we'll pray, Shrimataji, kindly awaken my right channel, Mother. Please awaken my right channel. Please awaken Shri Mahasaraswati in my right side of my body. Mother, please awaken Shri Hanumana in the right channel. Mother, please awaken Shri Hanumana in my right channel. Now we'll keep both our hands in the lap and pray, Shri Mataji, please establish me in my central nervous system, in my Sushumna Nadi. Look at your left hand with your closed eyes. Now look at your right hand with your closed eyes. Now take your attention in the central heart. Look at your central heart with your closed eyes and invite Shri Mataji in your central heart. Mother, please come into my heart. Mother, please come into my heart. You can hold your breath and keep the attention in your central heart. Mother, please activate my central heart. You are the very Lord Shri Durga. Now we'll take our attention to top of our head. And try to feel Shri Mataji, Shri Lotus Feet on top of your head. Now we'll take our attention to the sky, the blue bright sky. Connect yourself with the sky.
we can feel that the Chaitanya is falling in the form of rain on our heads, and we are getting drenched completely. Look at your left hand, look at your right hand, look at your central heart. Feel some energy floating and now take your attention to top of your head, and now we'll say the great Mahamantras. Om Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Shri Nirmala Devai Namo Namah. Om Tvameva Sakshat Shri Kalaki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devai Namo Namah. Tvameva Sakshat Shri Kalaki Sakshat Shri Sahastra Swamini Mataji Shri Nirmala Devai Namo Namaha. Ganesh Mantra. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesh Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devai Namo Namaha.
गणेश अथर्वशीर्ष सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवगतं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा इति योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयैरमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयार्थितः त्वं देहत्रयार्थितः त्वं मनोत्रयार्थितः त्वं मूलाधारस्थितो शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःसर्वं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलिसितं तारेण निद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारो अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपम् बिन्दुरूपम् नादसन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
Tanno Dante Prachodayam Ekadantam Chaturahastam Pashamankushadharanam Radam Chavaradam Hastai Vibranam Mushakatajam Rattam Lambodaram Shurpakarnakam Rattavasasam Rattagandhanulittangam Rattapushpai Surbhujitam Bhaktanukampinam Devam Jagatkaranam Achyutam Avirbhutam Chasrishyadam Prakate Purushaparam Evam Dhyayati Yonityam Sayogi Yoginam Varaha Namo Hello, see, when I'm talking, don't talk to each other. This is a new Sahajogi telling not to talk. When I'm talking, don't talk. That's not the way. So he just cannot. And imagine he left, I had a necklace, a very nice, beautiful, expensive necklace, I should say, given by my mother. He didn't touch it. He didn't touch anything. And he took away whatever was possible from their purse, from their things, whatever were left, everything he took away. Now I said, now go to the police. What? So, this is how one has to know that the honesty is for yourself, not for others. Don't try to be honest with others. Be honest to yourself. Keep that honesty to yourself, because maybe it's rational, and maybe that it is just a matter of habit that you are trying to hurt others. So first check on your mind and find out if you are trying to hurt others or you are trying to please others. Otherwise, don't talk, just keep quiet. If you are going to say something to please others, talk, otherwise just don't talk. And you'll be surprised when you say nice things to others, how niceness comes to you. Like supposing, somebody comes and tells me that, mother, he's very bad, he's troubled me so much, this thing, that thing. I don't like him. So I tell him, no, no, he was praising you a lot. It's not honest, but I tell him. He was praising you, he was so much in love with you, he's so kind to you, he was telling me he loves you very much. I said, really? Yeah, he did say. Next day you find them going together. So in Sahaja Yoga, once you come in, there's very little is left out, very little here and there. Some of them are really very superficial, but most of you have very little things left here and there. And only if you can watch that part, you can throw it away and you can really become very joyous people. Wow. Now there are some people who never smile, who never laugh. So then you are allowed to tickle them.
It's absurd. It said that you have to be like children. You have to be like children. You play with something, finish. Then you play with another thing, finish. You don't get involved into anything. You don't get attached to anything. Unless and until you have that childlike heart, you cannot enjoy Sahaja. It's useless. You will be here for years together. You will be useless, absolutely. Especially if you are coming from false gurus, it's very difficult. Because what I have known of false gurus, they never laugh, never smile. They are very serious. Only take your money, keep on the backside. So it is important that we should be in a very joyous mood, alert, aware, enjoying every bit of it. That's one of the Lakshmi's principles. Now another thing is that the suggestion is of the left hand, it's like this, which she's giving. A person who has money must give, not to the Pope, I never mean that, but must give to somebody who needs it. But so secretly that this hand should not know, is so far away. This hand should give, just secretly. Sometimes it's difficult to give money to anyone. I find it difficult because I find it that people will not like it. So there is a way of giving. There are so sweet ways of giving. Just try to notice what that person likes. Sometimes even children understand. Like, I know of my granddaughter, she said, this boy, Nani, doesn't even have any good chappals. I feel so bad about it, but how to give him? He will not take money from him. So I said, you do one thing, you go and do something to his chappal. So she went and she little bit spoiled his chappals more, you see. They were walking together, it broke. So she said, ah, see now, chappals are broken. She took him to a chappal shop and bought him a chappal. He said, but I have no money. She said, no, just take it, it's all right. So just, I'll be very happy today. That's all. It's so sweet to hear and then do it. How beautiful it must be. We like to hear everything. We want to see in a film everything good, in a television. But when it comes to us, we are different. When we see a mother-in-law torturing us, daughter-in-law, we always say, oh, look at her, how cruel she is. But we don't want to see we are the same. So cruelty is out of question in Sahaja. Out of question. Nobody has to be cruel to anyone. Nobody has right to be cruel. Whether they are leaders or non-leaders or anything they are, you have no business anyway to be cruel to anyone, hurting anyone. We are not daggers. We are lotuses. If you have to hit somebody, hit with a lotus. It's such a delicate thing. But it can be only understood if you go deep into it, into Sahaja. Otherwise it cannot be understood. Now, a saint is a saint. He cannot become cruel. You know, there's no need. What is the need to be cruel? So then, with one hand, there should be dan, means giving. Giving in a way that is secret. There's no need to give me anything. I've been telling you, don't give me anything. I don't want to take anything. If you give me anything, gold and silver, I'll leave it here. I cannot take it. The reason is not that, I don't appreciate that you are loving me, this thing, but a flower is sufficient for me. But a person who needs something, you must give. I am so self-contained, I know that very well. That I can live anywhere, I can live on the street, I can live anywhere, I have no problem. I can do without food, no problem. All right, in adoration you want to give me something. But I have been telling that don't give me. If you give me anything expensive, I'll leave it here, I will not take it. And we have now passed a law, regulation and everything, but I hope you listen to me. So
So what is needed is the thing that we should know, what is the dearth of another person. What will he need? You need silver for puja, all right, I'll give you silver, all right. But in such a sweet manner that you don't feel that mother is giving us. So there should be a feeling of giving at the right time, at the best opportune moment to give something. That is also one thing, just like a cameraman knows when to click. In the same way, you must know where to click when giving is concerned. When odd times if you give, it can be a very hurting thing. The person can feel very hurt. If you give at the odd time to someone something. You have so many stories of that kind, like Sudama's is that when he went to see Shri Krishna, and Shri Krishna took out his procession. In the procession they were just taking out his bad eyes with some pearls. So Sudama said, let one pearl fall into my lap also. He was very poor. But when he went back, he saw his house was made of gold by Shri Krishna. It's such a surprise. So that elevates the heart. So it should be elevating. It should not be sensational, but it should be elevating. And that helps the person. Because whatever you give for spiritual growth is the one that is the best thing that you can give to anyone, even in material things. Even in material things, you give something in for spiritual growth. There are so many ways, if you want to think about it, of giving someone something that spiritually he feels comforted, he feels happy and joyous. The another hand is like this. This hand is shown that you have to protect. You have to protect. I've seen sahajogis, with some of them who are very superficial, join hands with non-sahajogis. Immediately, you can make out the fraternity. If I see one woman going with another woman, who I know is a bhutish one, I know the another one must be. That's how the combination always works. There's a fraternity of good sahajogis and fraternity of bad sahajogis. So, when you see this hand is a protection to all the sahajogis. We all have to protect each other. Nobody should touch you. Of course, I'm all the time worried about your protection. If anybody comes and criticizes sahajogi, anyone, he may be the Prime Minister or something, I'll stand by the sahajogi. I'll go up to any courts or anywhere and I'll stand by that sahajogi. Even he may be wrong, still I will stand by the sahajogi because the spirit is there. So we have to protect. We have to protect our children. We have to protect our wives. We have to protect our husbands. We have to protect Sena Raksha, as they call it. Protect all the artists. Protect all the people who need protection in this world. So many people need protection from sahajogis. Now see, the classical art is dying out. They're having funny sort of a modern art. I don't mind if it is really modern in the sense that they're evolved people and they're producing something of a spiritual value. But one line like that and one line like that makes a drawing or a painting. Don't support such nonsense. Then poetry, which is wrong, should not be supported. Or literature, which is talking of filthy things, ugly things, dirty things, should never be protected. But whatever is good, whatever is beautiful, produced, created by anyone, even by a child, must be protected. Like a politician who is an honest politician, is a good politician, who is a benevolent, he may not be a sahajogi, but he should be protected. In your heart of hearts, you should think, Mother, please protect this man. You must have feelings for them. So what we have to protect here is the goodness, is the peace,
That's our duty. We have to protect. We should not say, all right, why should we care? He's not a Sahaja. No, but he's a good man. Whether he's a Sahaja or not doesn't matter, but he's a good man, so we protect him because of his virtues. We must protect a person who's virtuous, very important. For his virtue's sake, you must protect him. And you should not be only limited to being among yourselves, Sahajogis. You are the protector of the world. You are the kings of the world. Think like that. You have to worry about everything. What's happening here and what's happening there, you must know everything. So, some people say, Mother says, don't say television. I do not say like that. Absolutely. What I was saying, you must see what's happening in the world. But all the time, glued to the television, your eyes will be spoiled and see all dirty, filthy nonsense. There's no need. Oh, why should I tell you? You yourself will know. But you must see things. You must be informed, well informed, especially the ladies must be very well informed. It's very important, because what I find, ladies in Sahaja Yoga, they come, they just jump in the sea and finish that. That's not the way. You must learn how to swim, you must know how to make others also to swim, to protect them. You must know everything that's going on in this world where you are born. You are not to be just secluded from there. You must know everything. You ask me, I'm a woman, I know everything about every country, I know the problem. That's how I can solve. In Colombia, I went there, you know what has happened now, Colombia. In Russia, everywhere. You have to put your attention to all these things, especially the women must know their shaktis. And their shakti is of love, of attention. So this protective speciality has to be with us, and we must know we are in charge. We are in charge of this world. We are in charge of the whole humanity. We have to look after them. We are not limited Sahajogis. We are unlimited. We are eternal beings. And take up that personality within yourself. Then only the Diwali is completed. You can't have Diwali with something that is short-lived. You have to have something that's burning forever. So this is the beauty of Sahaja Yoga, is that you become really a great personality. But it's not the end of it. This is only the Lakshmi principle, I told you. But once this Lakshmi principle covers you up, then the Mahalakshmi principle starts, is that you think of the world as a great challenge to you, that you have to give the Mahalakshmi principle. That you have to give them realization. You have to raise them up. And this principle, once starts working in the Mahalakshmi principle, then all the problems are your own. You have to start working it out. Change the attitude is the way, best way I can say, towards all other things, that we have to solve the problem. We are here to solve the problem. Like I've seen, is a very common thing. Somebody comes out with a problem, I tell them, do this. They'll say, but this. Then do that, but in this, that. Like that, they go on, all the loopholes, till I say, now this is your problem, not mine. I'm giving you 100 solutions and none of them suits you. But here you should know, you are the one who has to solve the problem. It is your problem. The world is your problem. Why were you born this time? Why did you get your realization? And why are you Sahajogis? Just for namesake? So in every field, you have to take responsibilities to see what you can do. Supposing you are an architect, all right, have designs made. Create designs. Just try. I'll help you. You are a musician, then take up ways and methods of spreading good music. If you are a writer, then write something interesting, not boring. Something interesting, something which will elevate people. If you are a government servant, all right, try to show that you are acting for the government that is of a much higher level. And such a person will be respected, very much respected.
Everybody's personality will grow. Not that you run away from somewhere, because most of the people say that mother will get caught up, is that, you know. It depends on. I told you that I have to sometimes shake hands with 600 people who are sometimes absolutely drunk. So it's all right, that's my job. So we are not going to run away. We are covered with the protection of the spirituality. If you can keep to the central path of Sushumna, nobody can touch you. So, out of the Lakshmi principle, I hope you get all the tattvas, all the principles satisfied in you fully, and also the Mahalakshmi principle flows through your being. You have to be very satisfied and comfortable people, not to find faults. If you are finding faults, then know that you are not Sahajogis. If you are trying to control others, then know that you are not Sahajogis. Even the leaders, I would say, should never try to control. They must know how the principle is working in the silence. See for themselves how it is working. There's a trick you must learn. Of course, little correction is needed. That time you correct the person, at that time doesn't matter. But you must know how the whole principle of benevolence is working itself. The whole Param Chaitanya is doing the benevolence part. You must know that. As I've told you before also, we have to be like the sea, which receives all the rivers into it. If you are on top of the hill, you cannot receive anything. So you have to be like a sea to receive everything, and you have to be at the height. As I told you the other day, the same way, that very close to this sea, there should be a personality which is above everything else. Such a beautiful personality you should have is the depth of the sea at the height of the Kailasa. May God bless you. Oh.
We'll keep eyes closed and remain silent for some time. Now we'll ask for forgiveness and we'll offer some prayer at a lotus feet.
Shrimataji, we all are very innocent children of yours. Some of us we may or may not recognize and feel your love, your powers. So knowingly or unknowingly, if anything, any thought has occurred in our minds, which is against you, against God, kindly forgive us. We really do nothing, Mother. You are the doer and you are the enjoyer. You are the karta and karvita. You are the karta and you are the bhokta. You only make us do things as you are Mahamaya. Shrimataji, please forgive us. And take away this feeling of a doer, as we know you are the doer and you are the enjoyer. We really do nothing. Whatever is happening because of your wish and your will. Mother, please empower us to bear the truth make us so strong that we can bear anything, any test that you give us. Shrimataji, we surrender all our doubts, all our joys, all our sorrows at your lotus feet. Keep us the way you want to keep us, but keep us surrendered at your lotus feet. Shrimataji, we pray to you that you awaken us completely. Shrimataji, please awaken Sri Jagadamba in our central heart and all the elements of Sri Lakshmi in a navel. Solve all our problems as we are surrendered. You solve all our problems, Mother. Everything that I have is yours. My life is yours. I am yours. Please accept our prayers. Bless all your children, Shrimataji. Bless all of us, the ones who are present here, the ones who could not make it. Please bless all of us, all your children in BAFEL family. And outside BAFEL family, Shrimataji. Jai Shrimataji.
थैंक यू श्रीमती जी.